लगातार बॉयकॉट हो रही बॉलीवुड फिल्मों पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस के सब्र का बांध टूट चुका है। आए दिन बॉलीवुड स्टार्स अब इस पर खुलकर बात करने लगे हैं। हाल ही में आलिया भट्ट ने भी इस पर एक करारा हमला बोला है। आलिया भट्ट ने हाल ही में इन्होंने नेपोटिज्म के लिए क्रिटिसाइज करने वालों को जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा है कि अगर कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो फिर उनकी फिल्में देखना बंद कर दें। आलिया को आए दिन नेपोटिज्म की बहस में टारगेट किया जाता है। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में बिजी हैं। मीडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान आलिया से सवाल किया गया कि वे नेपोटिज्म डिबेट और ट्रोलिंग से कैसे डील करती हैं। आलिया ने कहा है कि इसे डील करने के दो रास्ते हैं। पहला, इसे कंट्रोल करके और अपना स्पेस और अपनी जगह साबित कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं अपनी फिल्मों के जरिए इन ट्रोल्स का मुंह बंद कर सकती हूँ, इसलिए रिस्पॉन्ड ही मत करो और ना ही बुरा फील करो। आलिया आगे कहती हैं कि मुझे बुरा लगता था, लेकिन जिस काम के लिए लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, उसके लिए बुरा महसूस करना एक बहुत छोटी कीमत होती है। मैं चुप रहती हूँ, अपना काम करती हूँ और घर चली जाती हूँ। मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में दी हैं, मैं बोलकर अपना बचाव नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मेरी फिल्में और मुझे मत देखो, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। आलिया आगे कहती हैं कि लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है। उम्मीद है कि मैं अपनी फिल्मों के जरिए उन्हें साबित कर पाऊंगी कि मैं उस जगह के लायक हूँ जिस जगह पर मैं हूँ। मेरी जन्म ऐसी फैमिली में हुई है, उसे मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या था? आप चाहते हैं कि मैं अपने पापा की मेहनत के लिए शर्मिंदगी महसूस करूँ? हाँ, मुझे आसानी से चीज़ मिली है, लेकिन मैंने अपने काम से अपने आप को साबित किया है।